नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है महाराणा सांगा। छात्रों, राजस्थान की इस धरती पर अनेक सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जैसे बापा रावल, नागभट्ट प्रथम, रावल रतन सिंह, रावल जेत्र सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास राठौड़, महाराणा अमर सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, जैसे अनेक सूरवीर योद्धाओं ने यहाँ जन्म लिया है तथा इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान दे दिया। छात्रों, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है। छात्रों, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा ने जो तुर्क आक्रमणकारी थे इनसे मेवाड़ की रक्षा की तथा मुगल आक्रमणकारी बाबर से भी मेवाड़ की रक्षा की। छात्रों, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह प्रथम था तथा जब ये शासक बने उस समय मेवाड़ को चारों तरफ से जो शत्रु रियासतों ने घेर रखा था, इन्होंने सभी शत्रु रियासतों को पराजित किया। छात्रों, तथा जो मुगल आक्रमणकारी था बाबर, उसको बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया तथा खानवा का जो युद्ध हुआ, छात्रों 17 मार्च 1527 ईस्वी को इस खानवा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर से राणा सांगा धोखे से पराजित हो गए। छात्रों, राणा सांगा का इतिहास अत्यंत ही गौरवमय इतिहास है। छात्रों, आज हम महाराणा सांगा के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, उनका जो महाराणा सांगा द्वारा जो विजय की गई, उन विजयों की चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा द्वारा मेवाड़ रियासत को किस प्रकार से जो सुरक्षित रखा गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। छात्रों, महाराणा सांगा मेवाड़ के सूरवीर शासकों में से एक थे और जो महाराणा सांगा ने जो गुजरात तथा मालवा के जो सुल्तान थे उनकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति पर अंकुश बनाए रखा, उनको लगातार पराजित किया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी उन्होंने दो बार पराजित किया तथा इसके अतिरिक्त जो बाबर था, बाबर को उन्होंने जो बयाना के युद्ध में पराजित किया तथा खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा थे ये धोखे से बाबर से पराजित हो गए। छात्रों, जो महाराणा सांगा के बारे में हम देखते हैं छात्रों कि राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह प्रथम या संग्राम सिंह सिसोदिया। जन्म, जो महाराणा सांगा का जन्म होता है छात्रों, जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी, 12 अप्रैल 1482 ईस्वी। जन्म स्थान कुंभलगढ़ कहाँ आता है छात्रों? राजसमंद जिले के अंदर आता है। राजसमंद। पिता महाराणा रायमल। वंश सिसोदिया। कुलदेवी बाण माता, बायण माता, राज्य मेवाड़, राजधानी चित्तौड़गढ़, कुल देवता
भगवान एक ही नाथ जी, भगवान एक लिंग नाथ जी, उपाधि उपाधि महाराणा, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, हिंदुपथ हिंदुपथ, उपनाम उपनाम, सैनिक भग्नावशेष, सैनिक भग्नावशेष, सिपाही का अंश, सिपाही का अंश, मानव खंडहर, मानव खंडहर, छात्रों ये किसने कहा? ये कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड। छात्रों महाराणा जो सांगा है, सांगा के शरीर पर घाव 80 घाव, एक हाथ कटा हुआ था, एक आंख नहीं थी, एक इनका हाथ कटा हुआ था, इनके एक आंख भी नहीं थी, किसके? महाराणा सांगा के। छात्रों पत्नी, राणा सांगा की जो पत्नी है, पत्नी कर्मावती, वैसे इनके अन्य कई पत्नियां थी लेकिन ये मुख्य पत्नी थी इनकी कर्मावती। घोड़ा जंगहत, घोड़े का नाम था इनके जंगहत, घोड़ा जंगहत, राजतिलक, राजतिलक 1509 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में शासनकाल, शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1528 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1528 ईस्वी तक। छात्रों मेवाड़ के सूरवीर शक्तिशाली जो शासक थे छात्रों, राणा सांगा, राणा सांगा का इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेवाड़ के ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। छात्रों इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनका एक आंख नहीं थी, इनका एक हाथ नहीं था और इनका एक पैर से भी ये लंगड़े हो चुके थे, परंतु छात्रों इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। छात्रों महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह प्रथम, अर्थात इन्हें संग्राम सिंह सिसोदिया के नाम से भी जाना जाता था। छात्रों जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में, जन्म कब हुआ छात्रों इनका? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है। इनका जन्म स्थान कौन सा छात्रों? कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। पिता, इनके पिता का नाम महाराणा रायमल, इनके पिता मेवाड़ के शासक थे।
जो महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा का वंश है, सिसोदिया वंश के छात्रों, इनकी कुलदेवी का नाम बाण माता, जिन्हें बायण माता जी के नाम से भी जाना जाता है, ये मेवाड़ राज्य के शासक थे राणा सांगा। और इनकी जो राजधानी थी छात्रों, वो कौन सी थी? चित्तौड़गढ़ इनकी राजधानी थी। महाराणा सांगा के कुलदेवता भगवान एकलिंगनाथ जी अर्थात भगवान शिव इनके जो कुलदेवता थे। महाराणा सांगा ने छात्रों जो उपाधियां धारण की, महाराणा, एक महाराणा जो इनकी पैतृक उपाधियां है अर्थात महाराणा हमीर देव सिसोदिया के समय से ये उपाधि चली आ रही छात्रों। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराणा की उपाधि धारण की। इसके बाद में इन्होंने इनकी एक उपाधि है, वो है हिंदुआ सूरज। इनकी उपाधि कौन सी छात्रों? हिंदुआ सूरज। और इनकी एक उपाधि और है हिंदू पथ। छात्रों, जो महाराणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती, ये बूंदी के शासक नर्मद हाडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बूंदी के शासक नर्मद हाडा की पुत्री थी। छात्रों, जो महाराणा सांगा के जो घोड़े का नाम था वो था जंगहत। इनके घोड़े का क्या नाम था छात्रों? जंगहत। छात्रों, महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष, सिपाही का अंश, मानव खंडहर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छात्रों, जो इनका शरीर था, इनके शरीर पर 80 घाव थे, जगह जगह से शक्त विकसित हो चुका था इनका शरीर, एक आंख नहीं थी। इनके जो बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनकी एक आंख फोड़ दी थी बचपन में ही, तथा खातोली का जो युद्ध हुआ, खातोली के युद्ध के अंदर इनका एक हाथ भी कट चुका था। और छात्रों, कहा जाता है कि ये एक पेड़ से भी ये लंगड़े हो चुके थे। तो इस प्रकार से छात्रों, ये इनके शरीर पर आधा घाव था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी इनकी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राणा सांगा का शरीर था वो क्या? शक्त विकसित शरीर था, इसीलिए इन्हें मानव खंडहर कहा जाता है। जैसे कोई मकान है उसके अंदर छेद ही छेद कर देते हैं तो वो क्या कहलाता? खंडहर कहलाता है। इसी प्रकार से इनका जो शरीर था, इनके शरीर पर क्या था? घाव ही घाव थे, इसलिए राणा सांगा को मानव खंडहर कहा गया। सिपाही का अंश था सैनिक भग्नावशेष, कर्नल जो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा है? सैनिक भग्नावशेष था, सिपाही का अंश कहा है। छात्रों, 1509 ईस्वी में इनका राज तिलक होता है। किसका? महाराणा सांगा का राज तिलक कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ के किले में इनका राज तिलक होता है। और महाराणा सांगा का जो शासन काल है वो 1509 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1528 शासन काल का भी छात्रों इनका 1509 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1528 तक इनका क्या है कि शासन काल है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। छात्रों, जो राणा सांगा है, राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा के जो पिता है छात्रों, राणा सांगा के पिता कौन है? रायमल के कितने पुत्र थे? रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया और दूसरे का नाम था जयमल सिसोदिया। और जो तीसरा इनका पुत्र था छात्रों, तीसरे पुत्र का नाम क्या है? राणा सांगा। क्या नाम है छात्रों? राणा सांगा। और इनके एक बहन भी है इनके, उसका नाम है आनंदीबाई। क्या नाम है? आनंदीबाई। आनंदीबाई क्या है? बहन है, पुत्री है। किसकी है? ये है रायमल की पुत्री है। छात्रों, जो रायमल है, रायमल के कितने पुत्र है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया, राणा सांगा तथा एक पुत्री भी है आनंदीबाई। पुत्री का क्या नाम है छात्रों? आनंदीबाई पुत्री है। छात्रों, कहा जाता है कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल सिसोदिया, ये तीनों एक अपनी जन्म पत्रिका, जो जन्म पत्रिका थी, जन्म कुंडली लेके ये तीनों भाई अपनी जन्म कुंडली लेके छात्रों ये एक ज्योतिषज्ञ के पास में गए। ज्योतिषज्ञों ने इन तीनों भाइयों की, कौन कौन से तीनों भाई छात्रों? ये थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया तथा राणा सांगा। इन तीनों की जो जन्मपत्री थी, ये जन्मपत्री एक ज्योतिषज्ञ ने देखी और उस ज्योतिषज्ञ ने तीनों की जन्मपत्री देखने के पश्चात कहा कि इस जो जन्म कुंडली है, जो जन्मपत्री, इसके अनुसार जो मेवाड़ का भावी शासक होगा वो कौन होगा? महाराणा सांगा। कौन होंगे छात्रों? महाराणा सांगा के बारे में कहा गया कि ये अगले भावी शासक होंगे। छात्रों,
पृथ्वीराज सिसोदिया तथा जयमल सिसोदिया ये क्रोधित हो गए दोनों तथा पृथ्वीराज सिसोदिया थे सबसे बड़े भाई थे। इन्होंने तलवार निकाली और तलवार से राणा सांगा पर प्रहार किया। किस पे प्रहार किया छात्रों? राणा सांगा पर प्रहार किया और राणा सांगा तो बच गए परंतु इनकी आंख जाती रही। तो छात्रों जो इनकी एक आंख नहीं थी अर्थात इनकी आंख बचपन के अंदर ही फूट चुकी थी। ये किसके कारण? पृथ्वीराज सिसोदिया के कारण ये फूट चुकी थी। छात्रों यहां से जो राणा सांगा थे यहां से राणा सांगा और जो जयमल सिसोदिया और पृथ्वीराज सिसोदिया इनके अंदर आपस के अंदर क्या लड़ाई होती है? तब जब लड़ाई होती है तब जो इनके इन तीनों के किसके राणा सांगा जयमल सिसोदिया तथा पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे इन्हें के जो चाचा थे चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम था सारंगदेव। चाचा कौन था? सारंगदेव। सारंगदेव तो इस चाचा ने कहा कि आपस में लड़ने से फायदा नहीं है और ये जो ज्योतिषज्ञ होते हैं ज्योतिषी की बात है हमेशा सत्य नहीं निकलती है तो हम इस जन्म कुंडली को लेकर और जो भीमल गांव है भीमल गांव के अंदर एक चारण जाति की पुजारी ने वो बिल्कुल सत्य बात बताती उसके पास में हमें चलना चाहिए। सारंगदेव की जो बात किसने मानी? पृथ्वीराज सिसोदिया ने मान ली जयमल सिसोदिया ने मान ली तथा राणा सांगा ने भी जो इनकी बात मान ली किसकी? सारंगदेव की बात मान ली और सारंगदेव की बात मानकर ये सभी कहां चले गए? ये उदयपुर के निकट भीमल गांव। कौन सा गांव था छात्रों? भीमल गांव के अंदर पहुंचे और भीमल गांव के अंदर एक चारण जाति की एक स्त्री थी चारण जाति की पुजारिन थी जो कि भविष्यवाणी करती थी उसको इन तीनों ने अपनी जो जन्म पत्रिका दिखाई और उन्होंने भी जो चारण जाति की जो पुजारिन थी उन्होंने भी यही कहा कि इसमें जो योग बन रहा है शासक बनने का और अगला जो मेवाड़ का भावी शासक होगा वो कौन होगा? महाराणा सांगा। कौन होंगे? महाराणा सांगा। ये बात सुनकर पृथ्वीराज सिसोदिया तथा जयमल सिसोदिया क्रोधित हो गए और राणा सांगा को मारने का प्रयास किया। राणा सांगा जो भीमल गांव से भाग गए भीमल गांव से राणा सांगा भागकर कहां पहुंचे? ये पहुंचे सेवंत्री गांव। कहां पहुंचे छात्रों? ये यहां से भागकर सेवंत्री गांव पहुंच जाते। कौन पहुंचते हैं? राणा सांगा है। राणा सांगा सेवंत्री गांव पहुंचते हैं और यहां पर जो राणा सांगा को शरण प्रदान करता है कौन? जो सेवंत्री गांव में राणा सांगा को छात्रों जो शरण प्रदान करता है वो कौन है? बीदा राठौर। कौन करते हैं? बीदा राठौर। कहां पर? सेवंत्री गांव में बीदा राठौर द्वारा राणा सांगा को क्या किया जाता है? राणा सांगा को आश्रय प्रदान किया जाता है और राणा सांगा पर जो जयमल सिसोदिया ये आक्रमण करता है और राणा सांगा को बचाने के चक्कर में जो बीदा राठौर इनकी क्या होती है? मृत्यु जाती है। छात्रों भीमल गांव से राणा सांगा भाग कर कहां आए? सेवंत्री गांव के अंदर आए और सेवंत्री गांव के अंदर राणा सांगा को शरण किसने दी? बीदा राठौर थे। बीदा राठौर द्वारा इन्हें शरण दी गई और बीदा राठौर यहां से जो बीदा राठौर थे बीदा राठौर पर आक्रमण किसने किया? जयमल सिसोदिया जो राणा सांगा का बड़ा भाई था इस जयमल सिसोदिया ने आक्रमण किया। बीदा राठौर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राणा सांगा यहाँ से चले गए कहाँ चले गए? अजमेर। कहाँ चले गए छात्रों? अजमेर चले गए। अजमेर में राणा सांगा को जो शरण प्रदान की किसने? करमचंद पंवार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है करमचंद पंवार। तो करमचंद पंवार थे इन्होंने शरण प्रदान की किसे की? राणा सांगा को। तो राणा सांगा जो मेवाड़ से भीमल आए भीमल से ये भागते हुए सेवंत्री गांव पहुंचे और सेवंत्री गांव से कहां पहुंचे? अजमेर पहुंचे जहां अजमेर में राणा सांगा को जो शरण प्रदान की किसने की? ये करमचंद पंवार ने जो शरण प्रदान की। छात्रों अब राणा सांगा अपनी अजमेर में रह के अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और इसी समय क्या होता है कि 1509 ईस्वी में रायमल राठौर जो राणा सांगा के पिता है उनकी मृत्यु जाती। कब होती है? 1509 ईस्वी में रायमल सिसोदिया कौन है? ये राणा सांगा के पिताजी हैं। तो इन राणा सांगा के पिताजी की मृत्यु जाती है और साथ ही साथ में छात्रों जो पृथ्वीराज सिसोदिया है कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा के बड़े भाई हैं। तो छात्रों इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे होती है छात्रों? पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी आनंदी बाई
इसकी शादी कहां पर हुई थी छात्रों? आनंदी बाई की शादी करा रखी थी सिरोही। कहां करा रखी थी? सिरोही के अंदर करा रखी थी आनंदी बाई की शादी। कहां हुई थी छात्रों? सिरोही के अंदर आनंदी बाई की शादी हुई थी। और आनंदी बाई का जो पति था उसका नाम था जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा क्या था छात्रों? जगमाल देवड़ा ये अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये आनंदी बाई को यातनाएं देता था। जब इस बात की खबर पृथ्वीराज सिसोदिया को पहुंची तो वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए सिरोही पहुंचे। कहां पहुंचे छात्रों? सिरोही पहुंचे। और यहां पर जो जगमाल देवड़ा से बातचीत की तरह जगमाल देवड़ा को कहा कि यदि तू इस प्रकार के अत्याचार करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहा जगमाल देवड़ा ने क्षमा मांगी। परंतु जगमाल देवड़ा कपटी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने क्या किया कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, पृथ्वीराज सिसोदिया को भोजन में विष दे दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने वो भोजन खाया और भोजन खाने के बाद में जो वहां से रवाना हुए, पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चल चुका था कि मुझे भोजन में विष दे दिया गया है। वो पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़ किले के दरवाजे पे आके, कहां? कुंभलगढ़ किले के दरवाजे पे आके, और ये इनकी मृत्यु जाती है। छात्रों कुंभलगढ़ के किले में आज भी जो 12 खंभों वाली पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनकी छतरी कहां बनी हुई छात्रों? इनकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के किले के अंदर। 12 खंभों वाली छतरी इनकी बनी हुई है। तो छात्रों जो आनंदी बाई का जो पति था जगमाल देवड़ा, इसने पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या किया कि विष दे दिया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो जगमाल जो राणा सांगा का दूसरा भाई था जिसका नाम क्या था? जयमल सिसोदिया। राणा सांगा का दूसरा भाई कौन था? जयमल सिसोदिया। तो छात्रों ये जो जयमल सिसोदिया है ये सोलंकी राजपूतों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्थात जब इसने सोलंकी राजवंश पर आक्रमण किया तो सोलंकी राजपूतों ने इसे युद्ध में मार दिया। तो इस प्रकार से छात्रों राणा सांगा के समक्ष दो प्रबल प्रतिद्वंदी थे। पहला प्रतिद्वंदी कौन था? पहला था पृथ्वीराज सिसोदिया जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरा कौन था? जयमल सिसोदिया, तो ये भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों अब राणा सांगा के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उत्तराधिकारी संघर्ष नहीं है। 1509 ईस्वी में छात्रों कब? 1509 ईस्वी राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। कहां के शासक बने? मेवाड़ के शासक। कौन बनते हैं छात्रों? राणा सांगा है मेवाड़ के शासक है बनते हैं छात्रों। मेवाड़ के जब ये शासक बने उस समय मेवाड़ रियासत चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई थी। छात्रों मेवाड़ में एक तरफ है गुजरात का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन, दूसरी तरफ है मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय, तथा दिल्ली के अंदर सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी जैसे शासक थे। तो चारों तरफ से जो इसे मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत को जो राजस्थान की स्थानीय जो शासक थे, स्थानीय शासक ने भी घेर रखा था। ऐसे समय के अंदर राणा सांगा ने अपने साम्राज्य विस्तार किया। तो छात्रों हम देखते हैं कि जो मेवाड़ जो रियासत है छात्रों, जो मेवाड़ रियासत को घेर रखा था, किसने? मेवाड़ रियासत को घेर रखा था चारों तरफ से। इस प्रकार से छात्रों ये जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ की इधर कौन था? इधर था मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा का शासक कौन है छात्रों? महमूद खिलजी द्वितीय। और इस तरफ कौन था? गुजरात का शासक कौन है इस समय? गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन। कौन है छात्रों? कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक है। इस प्रकार से छात्रों की मेवाड़ को दो जो मुस्लिम सॉरी छात्रों इसमें जो गुजरात का शासक कौन है वो है मुजफ्फर शाह। कौन है छात्रों? मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक कौन है? मुजफ्फर शाह। तो छात्रों इधर तो मुस्लिम रियासत थी, इसने मेवाड़ को घेर रखा, इधर मालवा ने घेर रखा। तो इधर जो दिल्ली का क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र छात्रों? दिल्ली पर राणा सांगा के समय सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी था, तथा इसके अतिरिक्त छात्रों इब्राहिम लोदी ये
जो दिल्ली के शासक थे छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों और इस तरह जो छात्रों जो इसके अंदर जो नागौर आमेर रणथंबोर बूंदी जोधपुर, तो छात्रों इस प्रकार से जो राणा सांगा के समय में बूंदी रणथंबोर आमेर नागौर जोधपुर इस प्रकार की ये भी रियासतें थी। तो छात्रों राणा सांगा ने क्या किया कि शासक बनते ही जैसे ही 1509 ईस्वी में राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक बने और राणा सांगा ने क्या किया अपना विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। तो छात्रों राणा सांगा ने क्या किया कि बूंदी रियासत से क्या किया वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बूंदी रियासत से वैवाहिक संबंध स्थापित करना बूंदी रियासत से वैवाहिक संबंध छात्रों राणा सांगा ने नर्मदहाडा की पुत्री कर्मावती से क्या किया कि विवाह कर लिया। किससे किया छात्रों? ये बूंदी की राजकुमारी कौन थी? कर्मावती से विवाह कर लिया तथा बूंदी रियासत से इन्होंने क्या किया वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। तो छात्रों तो इन्होंने क्या किया कि बूंदी के शासक नर्मदहाडा की जो पुत्री थी वो कौन थी? कर्मावती। इनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिया। इस प्रकार से जो बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत ने क्या किया कि बूंदी रियासत मेवाड़ की तरफ सम्मिलित हो गई। छात्रों इसके अतिरिक्त इन्होंने अजमेर का प्रबंधन राणा सांगा ने अजमेर के किले पर आक्रमण किया और अजमेर के किले पर विजय प्राप्त करके और अजमेर का किला किसे सौंपा? करमचंद पंवार। ये करमचंद पंवार कौन थे? ये करमचंद पंवार वही है जिन्होंने अजमेर के अंदर जो राणा सांगा थे, राणा सांगा को इन्होंने आश्रय प्रदान किया। इन्हीं करमचंद पंवार को अजमेर का प्रबंधन किसने सौंपा? राणा सांगा ने इसका प्रबंधन सौंपा तथा जो मेवाड़ की उत्तरी पश्चिमी सीमा जो मेवाड़ की सीमा थी छात्रों, कौन सी सीमा? उत्तरी पश्चिमी सीमा। इसको क्या किया? सुरक्षित कर दिया। अजमेर के किले पर जो राणा सांगा ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में अजमेर का शासन प्रबंध किसे सौंपा? करमचंद पंवार को शासन प्रबंध सौंपा। और करमचंद पंवार को शासन प्रबंध सौंपने का कारण ये था कि करमचंद पंवार ने जो राणा सांगा को आश्रय प्रदान किया था जब पृथ्वीराज सिसोदिया तथा जयमल सिसोदिया राणा सांगा को मारने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे समय में करमचंद पंवार ने क्या किया कि उनको सुरक्षा प्रदान की, उनको आश्रय प्रदान किया। इसी से प्रसन्न होकर जो अजमेर का क्षेत्र है, अजमेर का शासन प्रबंध करमचंद पंवार को सौंपा। इससे क्या हुआ कि उत्तरी पश्चिमी सीमा थी किसकी? मेवाड़ रियासत की, वो सुरक्षित हो गई। छात्रों इसके बाद में जो ईडर पर अधिकार छात्रों ईडर पर राणा सांगा ने ईडर पर अधिकार किस प्रकार से किया? ईडर पर रायमल तथा भारमल नाम के दो भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष कर चल रहा था। क्या चल रहा था छात्रों? उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। किसमें? रायमल तथा भारमल ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी, जबकि जो रायमल था, रायमल ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सहायता मांगी। छात्रों राणा सांगा ने क्या किया? रायमल
जो था रायमल पर, रायमल को ईडर का शासक बना दिया और इस प्रकार से राणा सांगा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। कहाँ स्थापित हो गया छात्रों? ये प्रभुत्व स्थापित हो गया ईडर पर। तो छात्रों, ईडर का क्या मैटर था? ईडर का ये था कि ईडर जो राज्य है, ईडर राज्य पर उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था दो भाइयों के मध्य, एक रायमल तथा दूसरा भारमल। तो इन पे क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। भारमल ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, गुजरात का शासक कौन है? मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी कि ईडर का राजा मुझे बना दो। तो रायमल था, रायमल ने राणा सांगा से सहायता मांगी कि आप मुझे ईडर का राजा बना दीजिए। राणा सांगा ने क्या किया? राणा सांगा ने रायमल को ईडर का राजा बना दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, ईडर का जो क्षेत्र था, ईडर के क्षेत्र पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। छात्रों, जो राणा सांगा है, राणा सांगा तथा गुजरात, छात्रों गुजरात व राणा सांगा छात्रों, जो गुजरात का शासक कौन है इस समय? गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। कौन है छात्रों? मुजफ्फर शाह। और मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन है छात्रों? राणा सांगा। मेवाड़ के प्रबल शासक है। और जो गुजरात का शासक है, ये भी शक्तिशाली शासक है, मुजफ्फर शाह। अब इन दोनों के अंदर जो युद्ध हो रहा, विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण क्या है? ईडर राज्य। कौन सा? ईडर का जो राज्य, छात्रों ये राज्य क्या है कि विवाद का कारण है? क्योंकि राणा सांगा ने क्या किया कि अपने समर्थक रायमल को गद्दी पर बिठा दिया। राणा सांगा ने किसे बिठाया? रायमल को क्या किया कि ईडर की गद्दी पर बिठा दिया। कहाँ बिठा दिया? ईडर की गद्दी पर। तो मुजफ्फर शाह का ये किसको? भारमल को बिठाना चाहता था। किसको बिठाना चाहता था? भारमल को। तो दोनों के अंदर संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो राणा सांगा थे, राणा सांगा विजय रहे। राणा सांगा ने बड़नगर अर्थात बड़ौदा, अहमदनगर अर्थात अहमदाबाद में भारी लूटपाट की तथा जो गुजरात के सुल्तान की सेना थी, गुजरात के सुल्तान की सेना को बुरी तरह पराजित किया और अंत में राणा सांगा ने जो रायमल को ईडर का शासक बना दिया। तो छात्रों, तो ये राणा सांगा तथा गुजरात का जो मुजफ्फर शाह था, इनके मध्य जो युद्ध संघर्ष हुआ, इसका कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण यही था कि ईडर राज्य था। दूसरा कारण यह था कि राणा सांगा साम्राज्य, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो गुजरात का सुल्तान था, गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी अपने जो साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है। छात्रों, इसी दरमियान क्या हुआ कि जो ईडर पर उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। भारमल ने किससे सहायता मांगी? गुजरात के सुल्तान से। तथा जो रायमल ने किससे मांगी? राणा सांगा से। राणा सांगा ने रायमल को ईडर का राजा बना दिया तथा गुजरात का जो सुल्तान था मुजफ्फर शाह को बुरी तरह पराजित किया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो राणा सांगा है, छात्रों राणा सांगा का संघर्ष होता मालवा के सुल्तान से, मालवा तथा राणा सांगा। तो छात्रों, जो मालवा है, मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। तथा मेवाड़ के शासक कौन है? राणा सांगा। छात्रों, अब इन दोनों के मध्य जो विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण है चंदेरी। क्या है? चंदेरी नामक जो स्थान है, ये दोनों विवाद के कारण है। किसमें? महमूद खिलजी का और राणा सांगा का। और दूसरा कारण क्या है कि साम्राज्य विस्तार करना। तीसरा कारण क्या है कि महमूद खिलजी प्रथम की पराजय का बदला लेना। छात्रों,
मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय तथा मेवाड़ के राणा सांगा, ये दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए दोनों जो दोनों मेवाड़ तथा मालवा दोनों की सीमाएं आपस में स्पर्श करने लगी और दोनों एक दूसरे के क्या हुए? विरोधी हो गए। छात्रों इसके अतिरिक्त जो एक कारण ये था कि महमूद खिलजी प्रथम, छात्रों महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा ने जो महमूद खिलजी प्रथम जो मालवा का सुल्तान था, इस मालवा के सुल्तान को पराजित कर दिया था तथा 6 महीने तक इसे बंदी बना के रखा था चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। किसे? इसे महमूद खिलजी को। और इसे पराजित किसने किया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा ने इसे पराजित कर दिया था छात्रों। तो अब ये महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय अब इसे पराजय का बदला लेना चाहता है। किससे लेना चाहता है? राणा सांगा से बदला लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा का जो दादा था, दादा कौन था? महाराणा कुंभा। तो राणा सांगा के दादा राणा कुंभा ने इसे महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर दिया था और 6 महीने तक बंदी भी बनाकर रखा था चित्तौड़गढ़ में। तो इसी हार का बदला कौन लेना चाह रहा है? इसे महमूद खिलजी प्रथम का जो वंशज है महमूद खिलजी द्वितीय, ये बदला लेना चाहता है। छात्रों एक कारण ये था कि चंदेरी का कारण था छात्रों। चंदेरी विवाद का कारण इस प्रकार से है कि चंदेरी में कौन था छात्रों? चंदेरी, तो चंदेरी के अंदर मेदनी राय नाम का जो शासक था ये कहां का था? चंदेरी का था। और ये महमूद खिलजी द्वितीय के दरबार में निवास करता था। किसके दरबार में रहता था छात्रों? ये मेदनी राय था, महमूद खिलजी द्वितीय के दरबार में रहता था। परंतु जो मुस्लिम जो अमीर लोग थे, मुस्लिम अमीर इसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसका मान सम्मान अत्यधिक था और इसे पसंद नहीं करते थे। कौन? जो मुस्लिम अमीर थे ये। इसलिए छात्रों ये परेशान हो चुका था और महमूद खिलजी भी इसे परेशान करने लगा था। इसलिए ये भागकर कहां पहुंच गया? राणा सांगा के दरबार में पहुंच गया और राणा सांगा से चंदेरी का राज्य दिलाने की प्रार्थना की। राणा सांगा ने इसे गागरोन का किला तथा चंदेरी का राज्य देने का वचन दे दिया। राणा सांगा ने क्या किया छात्रों? राणा सांगा ने मेदनी राय को चंदेरी तथा गागरोन, चंदेरी और गागरोन का क्षेत्र देने का वचन दे दिया। किस किसका क्षेत्र देने का वचन दिया? चंदेरी तथा गागरोन का। छात्रों इसीलिए क्या हुआ? दोनों शक्तियों में आपस में संघर्ष हुआ। तो छात्रों मालवा का जो संघर्ष है, मालवा तथा राणा सांगा, इसमें कि मालवा का शासक है महमूद खिलजी द्वितीय, मेवाड़ का शासक है राणा सांगा, दोनों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। राणा सांगा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो जो महमूद खिलजी द्वितीय ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है। छात्रों दूसरा कारण ये है कि महमूद खिलजी द्वितीय जो महमूद खिलजी प्रथम की पराजय का बदला लेना चाहता है। राणा सांगा का जो दादा था महाराणा कुंभा ने जो महमूद खिलजी द्वितीय के वंशज महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, तो उस पराजय का बदला अब ये किससे लेना चाह रहा है? राणा सांगा से लेना चाह रहा है। इसलिए क्या किया छात्रों कि उसने आक्रमण किया, दोनों में संघर्ष हुआ। इसके अतिरिक्त जो चंदेरी का क्षेत्र है, चंदेरी का राजा कौन है? मेदनी राय राजा है। और ये मेदनी राय किसके अंडर में है? ये महमूद खिलजी के अंडर में। महमूद खिलजी इसे परेशान करने लग जाता है और ये भाग कर कहां पहुंच जाता है? राणा सांगा की शरण में पहुंच जाता है। राणा सांगा इसको एक वचन दे देता है कि गागरोन का किला भी दूंगा और चंदेरी का राज्य भी वापस में दिला दूंगा। तो इस प्रकार से छात्रों अब मालवा तथा जो महमूद खिलजी द्वितीय इनके मध्य क्या होता है? भयंकर युद्ध। जो मालवा के शासक है महमूद खिलजी द्वितीय तथा जो राणा सांगा इनके मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। तो छात्रों अब ये जो युद्ध होता है ये कौन सा युद्ध कहलाता है? इन दोनों शक्तियों के मध्य राणा सांगा तथा जो महमूद खिलजी द्वितीय इनके मध्य एक युद्ध होता है, वो कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध, गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? गागरोन का युद्ध। कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया छात्रों? 1519 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा ने जो बुरी तरह महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर दिया और महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। किसे बंदी बना लिया? महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। किसे बनाया छात्रों? बंदी बना लिया। महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। महमूद खिलजी द्वितीय ने क्या किया छात्रों?
कि रतन जड़ित मुकुट, रतन जड़ित सोने का मुकुट, सोने का मुकुट तथा सोने की कमर पेटी, तथा सोने की कमर पेटी मतलब बेल्ट, कमर पेटी या कमरबंद, कमर पेटी राणा सांगा को भेंट की। किसे भेंट की? राणा सांगा को। रतन जड़ित सोने का मुकुट, सोने की कमर पेटी राणा सांगा को भेंट की। और राणा सांगा ने क्या किया? राणा सांगा ने जो इसे मुक्त कर दिया, परंतु महमूद खिलजी, महमूद खिलजी के पुत्र को महमूद खिलजी ने अपने पुत्र को जमानत के तौर पर राणा सांगा के पास रखा, छात्रों 1519 ईस्वी में गागरोन का भयंकर युद्ध होता है। गागरोन के युद्ध में जो राणा सांगा है, राणा सांगा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर देते हैं, और पराजित करके इसे बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ के अंदर लाते हैं। तथा महमूद खिलजी जो द्वितीय है, सोने का एक मुकुट है, रतन से रतन जड़ित है, अर्थात उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, ऐसा रतन जड़ित सोने का मुकुट राणा सांगा को भेंट करता है। तथा सोने की जो कमर पेटी थी, अर्थात उसका सोने का जो बेल्ट था, ये बेल्ट भी राणा सांगा को भेंट करता है। इसके अतिरिक्त जो महमूद खिलजी है, ये अपने पुत्र को 6 महीने जमानत के तौर पर, अर्थात 6 महीने तक जमानत के तौर पर राणा सांगा के पास में छोड़कर मुक्त होता है। छात्रों जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने इसे मुक्त कर दिया, किसको? महमूद खिलजी द्वितीय को मुक्त किया। छात्रों तो इसकी जो इस उदारता की प्रशंसा कौन करता है? निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद है। ये तबकात ए अकबरी ग्रंथ, तबकात ए अकबरी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है, तबकात ए अकबरी ग्रंथ का लेखक, कौन है? निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी ग्रंथ का लेखक है। ये राणा सांगा की प्रशंसा करता है, किसकी प्रशंसा करता है? राणा सांगा की प्रशंसा करता है कि राणा सांगा एक उदार व्यक्ति है, उदार शासक है, जिसने जो महमूद खिलजी द्वितीय को मुक्त कर दिया। चाहता तो राणा सांगा इसे मार भी सकते थे, क्योंकि महमूद खिलजी द्वितीय बंदी हो चुका था राणा सांगा का, परंतु इन्होंने क्या किया कि मुक्त कर दिया। तो इस बात की जो प्रशंसा कौन कर रहा है? निजामुद्दीन अहमद नाम का जो विद्वान है, ये अपने ग्रंथ तबकात ए अकबरी के अंदर जो इस बात की प्रशंसा करता है कि मालवा के सुल्तान को पराजित करके बंदी बनाने के बाद में भी राणा सांगा ने उसे मुक्त कर दिया, जबकि मालवा का सुल्तान राणा सांगा का कट्टर शत्रु था। छात्रों इस प्रकार से जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में जो पराजित किया, किसे? महमूद खिलजी द्वितीय को। छात्रों राणा सांगा ने बूंदी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और बूंदी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और बूंदी रियासत को अपनी तरफ मिला लिया, अजमेर पर आक्रमण करके अजमेर का दुर्ग जीता, और अजमेर का दुर्ग अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति करमचंद पंवार को दे दिया। छात्रों इसके बाद में जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित किया, और ईडर पर भी अधिकार कर लिया। ईडर पर जो राणा सांगा का विश्वासपात्र व्यक्ति था रायमल, उसे ईडर का शासक बनाया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने मालवा के शासक जो महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया, और पराजित करके मालवा पर भी अधिकार कर लिया। तो छात्रों इस प्रकार से जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने गुजरात तथा मालवा के शासकों को पराजित किया, और संपूर्ण राजपूताना के अंदर, आमेर रियासत, बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत, सिरोही रियासत, नागौर, बूंदी, कोटा,
इसके अतिरिक्त छात्रों, जो अजमेर का क्षेत्र है तथा जो मारवाड़ का, जो जोधपुर का क्षेत्र जिसे मारवाड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों पर जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। छात्रों, अब जो राणा सांगा का मुकाबला होता है वो किससे होता है? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से मुकाबला होता है।